जी बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरह से तुमने अपनी तैयारियाँ की थी उसके बारे में थोड़ा बताओ। जी मतलब मैंने सेल्फ स्टडी की थी और ये सेल्फ स्टडी और मेरे मामा मेरे कुछ टीचर्स हैं उन लोगों की भी बहुत बड़ी इसमें मदद है। उन सभी के द्वारा मुझे अच्छी शिक्षा मिली और आज मैं इस मुकाम पर हूँ। अरे जी अभी जनों द्वारा सूचना मिला कि आप लोग आए हैं, अरे मुझे जानकारी मिली कि मुझे 5 मिला है जी और मेरा मार्क्स 481 है जी। तो मतलब क्या रैंक है इसमें शिक्षा के एग्जाम? रैंक 7th है पूरे बिहार में। 96.2% है। तो खुशी से मेरे पास शब्द नहीं है जी। इनकी पढ़ाई लिखाई में किस तरह से इन्होंने पढ़ाई की है आपके बच्चे ने? मेरे बच्चे ने पढ़ाई बहुत ही मेहनत करके की और हम उस लायक नहीं थे कि हम इनको कहीं ट्यूशन रखा सकें। इनके पढ़ाई का सारा श्रेय जो है वो डोमिनट पर जाता है, वो मोबाइल के जरिया देख देख के अपना सारा कोर्स कंप्लीट किए। तो आप क्या करते हैं? हम तो दैनिक मजदूरी करते हैं। हम जबकि MA पास हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलने के कारण हम अपना इज्जत के साथ दैनिक मजदूरी करके अपना पेट का पालन पोषण करते हैं। कितने बच्चे हैं आपको? मेरे 4 बच्चे हैं, ये सबसे बड़ा हारिश जी। पत्नी क्या करते हैं आपके? पत्नी मेरी हाउस वाइफ हैं, अभी कुछ प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हैं। अच्छा ये जो है लेकिन फिर भी मैं हाँ इस महंगाई के दौर में मुश्किल है, फिर भी मैं उनके शिक्षा के प्रति जागरूक हूँ और अगर इंग्लिश स्कूल नहीं तो सरकारी स्कूल में ही मैं अपने देख रेख में जिम्मेदारी के साथ उनको पढ़ाता हूँ। जिस तरह से अभी आपके जागरूक हूँ उसकी जो भी इच्छा होगी मैं उसे अवश्य पूरा करने की कोशिश करूँगा। अगर वो बाहर जाकर पढ़ना चाहेगा तो मैं उसके दिल्ली में भी रखकर उसके पढ़ाने का इंतज़ाम करूँगा।